अपर मुख्य सचिव तथा जिले के नोडल अधिकारी संजय अग्रवाल ने दुधई गांव में शासन की योजनाओं के कार्यों की प्रगति, कालेसर में पीसीएफ का गेहूं क्रय केंद्र तथा गोरखपुर महाराजगंज फोर लेन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने गेहूं खरीद की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब तक 5500 कुंटल गेहूं की खरीद हुई है, जिसमें से 4500 कुंटल की डिलीवरी हो गई है। लगभग 1000 कुंटल गेहूं क्रय केंद्र पर प्लास्टिक से ढक कर रखा गया है। उन्होंने शेष 1000 कुंटल की डिलीवरी न हो पाने पर असंतोष व्यक्त किया। क्रय केंद्र प्रभारी ने बताया कि एफसीआई ने गीडा स्थित गोदाम में जगह न होने के कारण डिलीवरी नहीं हो पाई है। अपर मुख्य सचिव अधिकारी के साथ गीडा स्थित गोदाम में पहुंच गए। वहां लगभग 60 ट्रक लाइन से खड़े मिले। उन्होंने जिलाधिकारी को अतिरिक्त गोदाम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने धुरियापार चीनी मिल के खाली पड़े गोदाम को अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है। यहां लगभग 10,000 मैट्रिक टन गेहूं रखा जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन गोरखपुर महाराजगंज फोरलेन का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता की जांच की तथा उसे बरसात के पूर्व पूरा कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ अनुज सिंह, एसडीएम पंकज श्रीवास्तव, दिनेश मिश्रा, डिप्टी आरएमओ मौजूद रहे। बैंक में पैसे जमा करते हो? कर्जा देता है? क्या करते हो?